नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, और इनसे सवाल है, आपने कहा था कि 24 में से 20 सीट राजद को आएगी, आखिरकार कहाँ कहाँ कमियाँ रही जो राजद को बहुत कम सीटों पर नहीं? देखिए, लाख प्रशासनिक धांधली, सत्ता तंत्र का दुरुपयोग के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदों के अनुसार सीट तो नहीं लाई, लेकिन ये जो 6 सीटों पर जीत हुई है ये हमारे लिए ऊर्जा और उत्साह का संचार करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल है, जो सीटिंग सीट उन लोगों को गंवानी पड़ी, और कई सीटों पर तो सत्ताधारी दल के लोग हमसे मुकाबले में भी नहीं टिके, 3 नंबर 5 नंबर 4 नंबर पर चले गए, और हमारी 2 सीट पर, 1 में 20 वोट से 1 में 7 वोट से हार हो गई, और बहुत जगहों पर प्रशासनिक धांधली के कारण हमारे कई मतों को अवैध कर दिया गया, बहुत सारे फैक्टर रहे। वोट कटवा की भूमिका में भी सत्ताधारी दल ने कुछ खड़े किए थे लोगों को, लेकिन इसके बावजूद हम इस परिणाम से संतुष्ट हैं, उत्साहित हैं कि हम 1 की संख्या थी हमारी, हम 6 पर पहुंचे हैं, लेकिन वोट अपार मिला है। ये बता रहा है कि तेजस्वी यादव जी के प्रति सभी जनप्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया है, और इस चुनाव के परिणाम नतीजों ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है सत्ताधारी गठबंधन को कि आप रेस से बाहर हो गए। मृत्युंजय जी, एक मेरा सवाल है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आपके उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया है और सीट आप अधिक? देखिए, कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। हमने जब तेजस्वी यादव जी ने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में सेंधमारी कर ली, पटना सीट सबसे हॉट सीट बिहार की राजधानी का, जिनका सांसद हो, जिनका इतना विधायक हो, मंत्री हो, सत्ता हो, उसके सामने उनके घर में घुस करके वो सीट हम लोग जीत गए। ये तेजस्वी यादव जी के प्रति ये दिखा रहा है, जो A to Z की बात कर रहे हैं वो समीकरण ही NDA का बिगाड़ कर रख दिया तेजस्वी यादव जी ने, ध्वस्त कर दिया पूरा। एक तरफ अगर देखा जाए तो JDU हर तरफ से जो है वो शिकस्त नजर आ रही है, दबकी हुई नजर, एक तरह से कहा जाए कि थर्ड डिवीजन रह गए। आखिर कारण क्या रह रहा है, क्या लगता है BJP का प्रेशर? देखिए, वो थर्ड डिवीजन की पार्टी थर्ड डिवीजन ही रहेगी, JDU तो BJP की बी टीम है, JDU का कहीं कोई अब नामो निशान नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, लड़ाई पूरी तरह से मजबूती के साथ तेजस्वी यादव जी ने लड़ी, और उसका परिणाम आप देखिए। इस परिणाम के जो पॉलिटिकल पंडित हैं, अगर मायने निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये संदेश है बहुत बड़ा, कि जो हमारे वोटर, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग जो उधर थे NDA के साथ, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और तेजस्वी एक्सप्रेस पर वो सवार हो गए। तो जब BJP का वोटर, NDA का वोटर ही तेजस्वी एक्सप्रेस पर सवार हो गया, तो बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई। तो कांग्रेस को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थे, कांग्रेस जो है 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, हालांकि भले एक ही सीट आए, लेकिन परफॉर्मेंस तो कांग्रेस की भी अच्छी। देखिए भला बताइए, कांग्रेस को 24 सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं मिले। अब हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, एक सीट मिला है, उनको भी मुबारक बधाई हो, कांग्रेस वहाँ जीती है, लेकिन वहाँ कांग्रेस जीती है, उम्मीदवार जीते हैं, ये तो अब आकलन का विषय है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं, कांग्रेस के हमारे जो लोग हैं, नेता हैं, कि देखिए, जो लड़ाई है उस लड़ाई को कमज़ोर ना करें। आप अगर इसमें खुश हैं कि हमने RJD को ज़्यादा सीट नहीं जीतने दिया, तो फिर आप इसी खुशफहमी में रहिए। हम लोग तो हैं कि देश में, बिहार में सत्ता परिवर्तन करेंगे। चिराग पासवान भी हैं क्या? देखिए, चिराग पासवान जी का फैक्टर तो देख ही रहे हैं, किस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के अभी बहुत ज़्यादा साल भी नहीं बीते हैं, 1-1.5 वर्षों में ही किस तरह से उनके साथ उनके सहयोगी कर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये तो दलित भाइयों को लग रहा है, जो बर्ताव किया जा रहा है NDA के द्वारा
जेडीयू बीजेपी के द्वारा, इससे तो दुखी हैं। उस लड़ाई को लड़ने के लिए दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, अकलियतों, सभी लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार हैं। और बिहार की सभी जनता, सभी जाति, सभी धर्म से उठ करके पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।